सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद के देसी नुस्खे चैनल और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। एंटी डैंड्रफ ड्राई एंड डैमेज एंड हेयर फॉल फोर इंग्रेडिएंट्स एंड वन मिनट रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद के देसी नुस्खे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रहा राहुल, आप देख रहे हैं आयुर्वेद के देसी नुस्खे चैनल। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान और बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आया हूं, जो उन लोगों के कहने पे बनाया गया है जो कहते हैं कि मैं हॉस्टल में रहते हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ही बिजी रहता हूं, पर उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आया हूँ, जो कि एक हेयर ऑयल है। इस हेयर ऑयल से अपने डैमेज हेयर को, हेयर फॉल को, और ये एंटी डैंड्रफ भी हेयर ऑयल है, और इसे हम हेयर स्पा में भी इस ऑयल को यूज कर सकते हैं। ये आपके बाल को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, आपके बालों को झड़ने से बचाता है, आपको हेयर ग्रोथ में भी बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स लिया है, यानी पहला जो सामग्री हमने लिया है, वो है ओलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल है, जो कि बिल्कुल इसे गर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और बहुत ही बिल्कुल प्योर ये ओलिव ऑयल है। अब जो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट्स जो है वो है कैस्टर ऑयल, एंड हमारा जो दो इंग्रेडिएंट्स वो है दो एसेंशियल, एक जो है लेवेंडर ऑयल और दूसरा है टी ट्री ऑयल। ये दोनों ही प्योर है, एक वेंडर से हमने खरीदा है, जो कि बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है। इन चारों इंग्रेडिएंट्स की सहायता से 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस रेसिपी को आपको तैयार करने में। तो चलिए हम तैयार करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लगभग 2 टेबल स्पून जो है आपको यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले लेना है, ठीक है। अब इसमें जो आपको ऐड करना है कैस्टर ऑयल, अगर जहां पे भी आप रहते हैं, अगर वहां पे जो वेदर विंटर है, तो विंटर में आपको कैस्टर ऑयल जो ऐड करना है, कैस्टर ऑयल बिल्कुल ऑर्गेनिक होना चाहिए, तभी आपको फायदा करेगा। कैस्टर ऑयल आपको यहाँ पे लगभग विंटर हो तो 2 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा, अगर विंटर नहीं है तो सिर्फ 1 टेबल स्पून ऐड करना है, क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि हम कैस्टर ऑयल लगाए तो हमारे पे फोड़े निकल गए, फुंसी निकल गए, तो बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप जो मैं चीज बताया उस चीज को ध्यान रखते हुए आप यूज करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम ऐड करने वाले हैं वो है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल जो ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और हमारे जो बाल के जो स्कल्प करने में भी बहुत ही ज्यादा मदद करता है, और जो हमारे बालों में जो गंदगी होती है, एंटी डैंड्रफ होते हैं, उन्हें निकालने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टी ट्री ऑयल। अब यहाँ पे हम 4 ड्रॉप से ज्यादा ऐड नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको, वरना आपको जलन होने लगेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बिल्कुल 4 ड्रॉप ऐड किया है। अब नेक्स्ट जो है वो है लेवेंडर ऑयल। तो यहाँ पे भी लेवेंडर ऑयल को भी हम यहाँ पे बिल्कुल 4 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है बिल्कुल हम मिक्स कर लेंगे। लेवेंडर ऑयल जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करते हैं और ब्यूटी के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और लेवेंडर के जो लीफ होते हैं वो हमारे वेट लूज करने के भी बहुत काम आते हैं, ठीक है। अब इस ऑयल को जो है किस तरह से यूज करना है, एग्जैक्टली इसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए और इसे किस तरह से यूज करना है मैं आपको बता दूं। अब जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा ये हेयर एंटी डैंड्रफ ड्राई एंड डैमेज एंड हेयर फॉल हेयर ऑयल बिल्कुल तैयार हो चुका है, 110% ऑर्गेनिक और पूरी तरह से फॉर्मेंट होके हमारा ये तैयार हो चुका है। देखिए, अगर आपका बाल बॉय कट है तो आपको यहाँ पे जो ऐड करना है बिल्कुल 1 टीस्पून ऐड करना है। अगर आपका बाल कंधे तक है तो आपको वन एंड हाफ टी स्पून ऐड करना है, यानी पूरे डेढ़ टी स्पून, ठीक है। अगर आपका बाल कमर तक है तो आपको 2 टीस्पून आपको ऐड करना है, इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि जो कैस्टर ऑयल इसमें मिला हुआ है, कैस्टर ऑयल बहुत ही गाढ़ा होता है, बाद में ये जो है फैलता है आपके बाल पर, लेकिन स्टार्टिंग में जब लगाएंगे तो आपके बाल में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ देर बाद ये फैल जाएगा। तो इसे बेहतरीन रिजल्ट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हॉट एंड कोल्ड टॉवल का यूज करना है। आपको पहले एक जग ले लीजिए, एक जग में आपको नॉर्मल वाटर ले लेना है और एक जग में आपको हॉट वाटर ले लेना है। अब 2 टॉवल ले लेना है, एक में आपको हॉट वाटर में टॉवल
को पानी में बुड़ो के, पानी में डाल करके उसको अपने सर पे बांध लेना है, ठीक है। अब उसके 3 मिनट के बाद फिर आपको जो कोल्ड वाटर है यानी नॉर्मल वाटर है, जो वो नॉर्मल वाटर में आपको टॉवल को डालना है, उसके बाद अपने सर पे 3 मिनट के लिए बांध के रखना है। ऐसे प्रोसेस जो है, एक बार गर्म वाटर वाला टॉवल, एक बार नॉर्मल वाटर वाला है टॉवल, ये तीनों को, सॉरी दोनों को आपको 3 बार आपको अप्लाई करना है, 3 3 मिनट तक। 3 बार आप, एक बार अगर आप हॉट वाटर वाला टॉवल यूज करते हैं 3 मिनट के लिए, तो फिर आपको ठंडा वाटर वाला आपको टॉवल यूज करना है, यानी सर पे आपको बांध के रखना है अपने बालों पे, ठीक है। इस तरह से आपका जो एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इस हेयर ऑयल का, आपका हेयर स्पा भी हो जाएगा। हेयर स्पा के जो थेरेपी होता है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होता है जो मैं आपको प्रोसेस बताया है, टॉवेल का, एक बार हॉट वाटर का टॉवेल, एक बार आपको नॉर्मल वाटर का टॉवेल अपने सर पे 3 3 मिनट के लिए बांधना है। ऐसा प्रोसेस 3 बार करना है, और इस प्रोसेस को जो है आपको हफ्ते में कम से कम 4 बार यूज करना है। आपको जो पहला रिजल्ट यानी फर्स्ट टाइम जब यूज करेंगे इस चीज को, तो बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट टाइम ही, अगर आप हॉट वाटर और कोल्ड वाटर टॉवल यूज करते हैं तो, इस प्रोसेस को ऑयल लगाने के बाद। अगर आप चाहें तो इस ऑयल को लगा के ऑफिस जाना चाहें या फिर कहीं घूमने जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, इसके लिए कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो मैंने ध्यान रखिएगा, जो मैंने हॉट वाटर और कोल्ड वाटर वाला जो टॉवल का प्रोसेस बताया है वो डेफिनेटली यूज कीजिए, क्योंकि उससे आपका बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपके बाल स्ट्रांग हो जाएंगे, बाल आपके जो झड़ रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और बालों में ग्रोथ भी तेजी से बढ़ेगा, और बाल जो पतले हो रहे हैं वो मोटे भी होने शुरू हो जाएंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, क्वायरीज, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 7310-9884-07, 7310-9884-07 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं। मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में इस वीडियो को देख सकें, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्तों को, और भी फ्रेंड्स के जो है इस हेयर ऑयल से मदद हो सके। ये बहुत ही मैजिकल हेयर ऑयल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर दोस्तों। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बेहतरीन रेमेडीज लेकर आते रहता हूँ। ऐसे बेहतरीन से अपडेट वीडियो से अपडेट रहना चाहते थे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए रेमेडीज के साथ, एक नए बेहतरीन स्किन एंड ब्यूटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।